बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिन टॉक के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। और आजकल सियासी मंजरनामा बड़ी जल्दी जल्दी तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा था। आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जिस तरह अनाउंस किया गया है कि बाकायदा सेलिब्रेशन होगी, जश्न निजात होगा, और उसके आगे क्या क्या होगा पोलिटिकल फ्रंट पर, ये जो कोएलिशंस बन गई हैं, ये जो एक ग्रुप बन गया है, ये आपस में किस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तकसीम करेंगे, और दीगर क्या होंगे, पीटीआई इसी तरह खामोश बैठी रहेगी या उनकी तरफ से कोई और सरप्राइज एक्सपेक्टेड है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको बड़े बेहतर तरीके से, वैसे तो मुख्तलिफ एनालिस्ट आते हैं और वो अपनी ज़बानी अपनी कहानी बताते हैं, लेकिन जब हम सईद गनी साहब से बात करते हैं तो हमें लगता है कि इनको भी अंदर की वो इन्फॉर्मेशन है जो शायद ही किसी एनालिस्ट को हो। तो हमने सोचा आज एक सेशन रखना चाहिए और इस नशिस्त में हम इनसे जानें कि जी क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और आपकी खुशी जो है वो दीदनी थी सोशल मीडिया पे भी, टेलीविजन पर भी, और आज भी इतनी ब्रॉड स्माइल आपकी कभी कभी आती है। वैसे लोग तो कहते हैं हमेशा होती है, लेकिन बहरहाल यकीनी तौर पर खुशी तो होती है जब आपका एक कोई टारगेट अचीव करते हैं, और एक पार्टी जो पिछले 1.5-2 साल से कह रही हो कि जी होना चाहिए, और वो ठीक है कि फेडरल गवर्नमेंट हमारे पास नहीं आई, पंजाब गवर्नमेंट हमारे पास नहीं आएगी, लेकिन जो ये सारा प्रोजेक्ट था, जो ये डिज़ाइन था, जो प्लान था जी, वो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब का था। तो बाकी तमाम पार्टियों को उस पॉइंट पे लेके आना, फिर उसको कामयाबी से मंजिल तक पहुंचाना, तो यकीनी तौर पर खुशी की बात है। अच्छा, ये तो एक माइलस्टोन तय हो गया कि तमाम पार्टी साथ भी मिल गई, जो आप लोगों ने सोचा था वो भी सब कुछ हो गया, लेकिन अब असल जद्दोजहद शुरू होती है जब आगे आपको हालात नज़र आते हैं और आगे किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तकसीम होंगी, कौन क्या करेगा, क्योंकि माजी में भी कोई ख़ास कोएलिशंस या कोई ख़ास अटैचमेंट्स हमने देखी नहीं है। अब 13 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, किस तरह से ये आगे बढ़ पाएंगी? अच्छा, एक तो ये बात जहन में रखें कि ये हुकूमत कोई 5 साल के लिए तो है नहीं। ये तो जब जमातें आपस में इकट्ठी हुई तब भी ये तय हुआ कि हम रिफॉर्म्स करेंगे और उसके बाद हम इलेक्शन में चले जाएंगे। अब ये 3 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, वो ज़ाहिर हालात के मुताबिक सब फैसला कर लेंगे, लेकिन ये कोलिशन इसलिए चल जाएगी कि हम एक अच्छे साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, जिसमें तमाम पार्टीज़ को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और पाकिस्तान के इंतखाबी अमल में बैरूनी मदाखलत ख़त्म हो और उसके बगैर इलेक्शन हो जाए। तो ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है एक बेहतर इंतखाबात की तरफ जाने के लिए। कितने अरसे का तकरीबन ये अरेंजमेंट है? देखिए, एक तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उन्हें 7 महीने चाहिए कम से कम, तो ये तो कम से कम 7 महीने आपको रखने चाहिए। उससे ज़ाहिर है 1-2 महीना और आगे पीछे हो सकता है, और जब तक डिलिमिटेशन आइन के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है, इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी नहीं कह रहा, वो आइन में लिखा हुआ है, अगर ना होता तो शायद वो ना करते। तो 4 महीने का टाइम उनका है, 3 महीने आपको वैसे इलेक्शन के लिए चाहिए, तो 7 महीने तो मिनिमम हो जाते हैं। तो 7 महीने कम से कम है, या आप इसको 8-9 महीने भी कर सकती हैं। तो आप इसको, आप लोग, आपसे मुराद के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके हवाले से क्या विजन रखती है कि कितने अरसे में इलेक्शन होने चाहिए? ये तो इलेक्शन कमीशन का एक स्टांस आ गया ना कि 7 महीने, क्या उसके बाद आप लोग फुल फ्लेज तैयार होंगे कि इलेक्शन फौरी होने चाहिए, या थोड़ा सा और टाइम देंगे कि ये जो 5 साल हो रहे थे वो मुकम्मल नहीं हो जाए? नहीं, ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं कि 5 साल पूरे हों। वो अलग बात है कि हालात किस तरफ जाते हैं, सारी जमातें इत्तेफाक कर लेती हैं, 5 साल पूरे करवा लेती हैं, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा नजर नहीं आता। आप अगर गौर करें तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब यहाँ से मार्च का आगाज़ किया था 27 फरवरी को, तो उन्होंने हर तकरीर में कहा था कि इमरान खान तुम असम्बलियाँ तोड़ो, इस्तीफे दो और नए इलेक्शन कराओ। इसका मतलब है कि हम नए इलेक्शन के लिए तैयार थे। जब इमरान खान ने गैर आइनी तौर पर असम्बली डिजॉल्व की, तब भी हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे थे। हमारा मौकफ़ ये था कि तुमने गैर आइनी तरीके का इख्तियार किया है, तुम्हारे पास ये इख्तियार नहीं है, तो इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी तैयार है। और पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने अभी नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद 2-2.5 महीने पहले हमारी एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें हमने ये कहा कि हम अपने कैंडिडेट्स लोकल गवर्नमेंट के भी और आम इंतखाबात के भी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए शॉर्ट लिस्टिंग शुरू कर दें। सही। अच्छा, जिस तरह आपने पार्टीज़ का जिक्र किया, इसमें एक ट्रेलर तो हमें कल MQM की जानिब से नज़र आया, काफ़ी दुखी और नाला थे जब उनका स्टेटमेंट आया, तो उनके हवाले से क्या कहेंगे? जब ये जाहिर है हम ये बात कर रहे हैं कि तमाम पार्टीज़ 6-7 महीने 8 महीने ही साथ चलना है, लेकिन उसमें भी फिर इस तरह की तोड़म और टूटना और जोड़ना और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। देखिए, एक तो मैं वजाहत कर दूँ कि MQM ने 2 माहदे किए हैं। एक माहदा उन्होंने किया है PMLN के साथ, जो ज़ाहिर के वफाकी हुकूमत के साथ जो भी इनके मामलात हैं वो करेंगे। एक माहदा उन्होंने किया है पीपल्स पार्टी के साथ, जो सूबाई हुकूमत के जो मसाइल हैं उसके हद तक है। हम इस बात में बिल्कुल कमिटेड हैं कि जो कमिटमेंट्स हमने उनसे की हैं, जो हमने वायदे किए हैं, वो वादे हम पूरे करेंगे।
वो हम वादे पूरे करेंगे। सही, तो उनको दुखी होने की जरूरत है। मेरा नहीं ख्याल है कि उनको हमारी तरफ से कोई परेशानी हो। ठीक है, बाकी ये कि हम तो उससे भी आगे जा रहे हैं कि उन्होंने तो नहीं कहा कि गवर्नमेंट में शामिल करें, हम तो ये भी चाहते हैं कि अगर वहाँ वो कैबिनेट का हिस्सा भी बने। चलिए, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो यहाँ से आपने दी है इस फोरम से, उम्मीद है कि इससे उनको कुछ तसल्ली होगी। अच्छा, जो जश्न का जिक्र किया जा रहा है, इस जश्न में आम दावत है तमाम लोगों को जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सब आपको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं तो हमेशा कहता था कि इमरान खान की एक मनहूस हुकूमत है और नौसत जब ख़त्म होती है तो सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, और आपको महसूस भी हो रहा है अभी हुकूमत नई बनी भी नहीं थी तो स्टॉक मार्केट भी ठीक होना शुरू हो गई, डॉलर भी नीचे जाना शुरू हो गया, और भी जो एक कॉन्फिडेंस होता है इन्वेस्टर्स का वो आपको नज़र आना शुरू हो गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि तमाम लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए, और इनकी देखिए हुकूमत से हटने के बाद और ख़ासतौर पर जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ उसके बाद जो उन्होंने अपने रवैये अख्तियार किए, किस तरह आइन की पामाली की, किस तरह हठधर्मियाना परस्ती की, उससे तो अंदाज़ा हुआ कि जितना हम इनको समझ रहे थे ये तो उससे ज़्यादा ढीठ थे। अच्छा, ये एक परसेप्शन है, पर्सपेक्टिव है जाहिर है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, और आप नंबर्स पे बेस करके कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या है, यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, लेकिन जो एक आवाम ने अपनी तरफ से रद्द अमल दिया इस सब के बाद, और हमने देखा कि सोशल मीडिया पे वो बड़ा वायरल हुआ, जब गो के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसे कोई खास कवरेज नहीं दी, वो क्या था? वो शो ऑफ पावर था, प्लान्ड था, इमोशनल था, क्या था? मैं आपसे कस करूँ, देखिए एक इमरान खान ने, आपको याद है, एक कहा था कि मैं 10 लाख लोग इकट्ठे करूँगा 27 मार्च को। 10 लाख लोग तो नहीं आए, पूरा जोर लगाया, केपी की पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, पंजाब की पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, फेडरल गवर्नमेंट पूरी इन्वॉल्व हुई, कश्मीर की हुकूमत पूरी इन्वॉल्व हुई, उसके बावजूद भी मुश्किल से वो 15 से 20 हज़ार आदमी इकट्ठे कर सके, उससे ज़्यादा नहीं इकट्ठे हुए। 10 लाख की कॉल उन्होंने दी थी, फिर उन्होंने कहा कि 1 लाख आदमी जो हैं वो पार्लियामेंट पर आए जिस दिन ये होना है, और पूरे मुल्क में आप बाहर निकलें, कहीं 200 लोग, कहीं 300 लोग, कहीं 400 लोग निकले, इससे ज़्यादा लोग नहीं निकले। फिर ये जब हट गए तो उन्होंने फिर कहा कि लोग निकलें, ठीक है कहीं कहीं मुनासिब हो गए, लेकिन अक्सर तस्वीरें फोटोशॉप थी, पुरानी थी, लेकिन लोग कहीं थे, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि नहीं थे, कहीं कहीं मुनासिब इन्होंने लोग इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन वो देखें कोई हुकूमत जाती है, मैं ये तो नहीं कहूँगा ना कि PTI की फॉलोइंग है ही नहीं, बहरहाल एक पार्टी है, हुकूमत में रही है, उनके पास 150 के करीब MNAs थे, 2 सूबों में उनकी अपनी हुकूमत है, इमरान खान साहब का अपना एक फैन क्लब है उनका, तो वो तो लोग थे, लेकिन जिस अंदाज में वो निकले और जो नारे उन्होंने लगाए, जो बातें उन्होंने कहीं, जिस तरह पाकिस्तानी पासपोर्ट जलाए जा रहे हैं, जिस तरह सियासी जमातों के परचम जलाए जा रहे हैं, जिस तरह दीवारों के ऊपर बेहुदा किस्म की चौकिंग की जा रही है, जिस तरह अदलिया के ख़िलाफ़ और फौज के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, किस बुनियाद पर कि उन्होंने अपने आइन के दायरे के अंदर रह के काम किया है, माजी में जो काम होता था जो आइन से बाहर जाके करते थे जिस पर तनकीद होनी चाहिए थी, अब पहली मर्तबा जो अपने गलत कामों से निकले हैं तो फिर उन पर तनकीद हो रही, तो मैं समझता हूँ कि ये उनका जो माइंड सेट है वो आपको नज़र आता है कि वो चाहते नहीं हैं कि इदारे आइन के दायरे के अंदर रह के काम करें, उनका यह है कि जो इमरान के साथ है वो मुहिब वतन है, जो इमरान के साथ नहीं है वो गद्दार है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो अमेरिका का एजेंट है। तो ये जो रवैये नज़र आ रहे हैं ये मैं समझता हूँ ज़्यादा देर चलेंगे नहीं। ये मरासले की तहकीकात की बात की है शहबाज शरीफ साहब ने, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को नज़र आए कि ये बिल्कुल ठीक तरह से इसकी तहकीकात हुई है, ताकि इमरान का जो ये झूठ है वो बेनकाब हो और ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट वो बांटता फिर रहा है उसको हमें ख़त्म करना चाहिए। अच्छा, इस पूरे मामले में हर सियासी शख्सियत को हमने देखा है कि कुछ ना कुछ उनके हवाले से और उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से सामने आया है, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस दफ़ा बड़ी तारीफ़ें मिली हैं, उनको जब वो कोर्ट में भी गए उस वक्त भी उनकी स्माइल की तारीफ़ की गई, उनके ओवरऑल विजडम की, या जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, इवन और लोग भी ऑफ द रिकॉर्ड बड़े उनके एक फहम की और उनकी गुफ्तगू की तारीफ़ कर रहे हैं, और फिर वो जिस ज्यूरिसडिक्शन में रह के बात करते हैं, जो उनका दायरा कार है, जो उनकी सोच है, सो बिलावल साहब को इस मौजूदा सेटअप में क्या हम किसी ओहदे पर देख रहे हैं? लेकिन बिलावल साहब के लिए मेरा तो हमेशा से ये मौकफ रहा है, जब वो मीडिया पे नहीं भी आते थे, जब इतने ज़्यादा इंटरव्यूज नहीं भी देते थे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं भी करते थे, मैं उस वक्त भी कहता था कि अल्लाह ताला ने उनको बड़ी सलाहियतें दी और ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने साबित किया, पहले पीपल्स पार्टी वाले तारीफ़ करते थे, अब सभी कर रहे होते हैं, और वो उनका जो कंडक्ट है जिस तरह वो हर जगह पे होते हैं, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या असेंबली में तकरीर करते हैं, तो एक तो आपको नज़र आता है कि क्लैरिटी है बहुत ज़्यादा उनकी चीज़ों में, कंफ्यूज नहीं है किसी भी चीज़ पर, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, पता होता है एक्चुअली कि वो क्या बात करना चाह रहे हैं। अब जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है, मुझे नहीं पता कि वो कोई पोजिशन लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है, मेरी ज़ाती राय ये है कि शायद उनको नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, मेरी जाती राय है, क्योंकि आप उनको सिर्फ एक ही जगह तसव्वुर करते हैं।
एक तो ज़ाहिर हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, दूसरा ये कि जिस तरह मैंने कहा कि इलेक्शंस हो सकते हैं 6 महीने में 7 महीने में 10 महीने में, तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि बिलावल साहब पार्टी को लीड करें और इलेक्शन की तैयारी में जाएं। अगर वो किसी और जिम्मेदारी में होते हैं तो फिर वो डिवाइड होगी उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन जाएंगी। प्रेसिडेंट कौन होगा अब हमारा ये मौजूदा सेटअप में? आपने जाहिर सुन ही लिया कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तबीयत सही नहीं है और शायद वो पता नहीं कंटिन्यू करते हैं नहीं करते हैं। इस अनसर्टेनिटी में कौन अब उनकी कुर्सी को संभालेगा? देखिए, मेरी राय में हमारी जो ख्वाहिश है वो तो आसिफ अली जरदारी साहब को होना चाहिए, क्योंकि जो उनका माजी रहा है। कलामी की माफी चाहती हूँ, मौलाना साहब का नाम भी बीच में बार बार आ रहा है। जी जी, मौलाना साहब का नाम भी आ रहा है जी। तो आसिफ अली जरदारी साहब जब सदर पाकिस्तान थे पाँच बरस के लिए, तो उनके दौर में जब वो सदर बने तो वो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन सदर थे, इसलिए कि जनरल मुशरफ से उन्होंने टेक ओवर किया था, तो उनके पास बड़े इख्तियार थे। वो पहले सदर हैं पाकिस्तान की तारीख के जिन्होंने वॉलंटियरली अपने तमाम के तमाम इख्तियार जो थे वो एक पार्लियामेंट को ट्रांसफ़र किए और प्राइम मिनिस्टर को ट्रांसफ़र किए। फिर उन्होंने NFC करवाया, फिर उनके दौर में 18th Amendment हुई, फिर उनके दौर में बहुत सारे चैलेंज भी थे लेकिन उन्होंने बड़े स्मूथली बड़े तरीके से चीज़ें सारी चलाई। तो मैं समझता हूँ कि इससे जो चैलेंजेस हैं इस मुल्क को, इन हालात में एक ऐसा ही शख्स आपको चाहिए जो तमाम लोगों को साथ लेकर भी चले और जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, जो रिफॉर्म्स होने हैं, वो बेहतर से हो जाएं। लेकिन ज़ाहिर है कि हतमी फैसला तो फिर ये तमाम जमातें बैठ के करेंगी। अगर वो मौलाना पे इतफाक़ कर जाते हैं तो बिस्मिल्लाह जी, हम मौलाना को भी मान लेंगे। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है, मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब होना चाहिए। चांसेस किसके ज़्यादा हैं? चांसेस तो अब चांस कोई ऐसा है जो आप बता सकें? देखें, अगर तो मैं बात कर, जो फार्मूला है आपको याद होगा कि जब यू नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी और जब इमरान खान को हटाने की बात हो रही थी, जब प्राइम मिनिस्टर का सवाल किया गया तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर ये कहा कि चूंकि कौमी असम्बली में जो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी अपोजिशन में है वो PMLN है, तो उनका हक है कि वो अपना प्राइम मिनिस्टर बनाएं, जिसको चाहें बनाएं, हम उसमें दावेदार नहीं हैं। अगर इसी फार्मूले पर हम जाते हैं तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो है वो कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी और सिंध असेंबली में भी हमारे पास नंबर ज़्यादा हैं। तो अगर इस फार्मूले पे होता है तो ज़ाहिर है कि फिर जरदारी साहब को बनना चाहिए। अच्छा, एक थोड़ा सा डिविएट करके सवाल है, लेकिन ऑब्वियसली जरदारी साहब का बार बार जिक्र आ रहा है। उन्होंने ख़ुद भी असेंबली में एक दफ़ा कहा था कि पाकिस्तान की अगर कोई पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और वक्त के साथ साथ जो भी जरदारी साहब का लोग वेट कर रहे होते हैं, एनालिस्ट वेट कर रहे होते हैं, जर्नलिस्ट वेट कर रहे होते हैं कि अगर उनकी तरफ से खामोशी है तो कोई ना कोई नई चीज़ आने वाली है। पॉलिटिकल गुरु की हैसियत उनको मिल चुकी है, ऐसा क्या उन्होंने किया है या ऐसी क्या उनके पीछे सोच है या विजन है जो उनको जो लोगों में उनकी इस मकबूलियत की वजह है? देखिए, हर शख्स के अंदर मुख्तलिफ सलाहियतें होती हैं। आसिफ अली जरदारी साहब में जो मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी सलाहियत है कि अगर एक दफ़ा कोई शख्स उनसे मिलने आए और आसिफ अली जरदारी साहब ने ये तय कर लिया हो कि इनको इसको मैंने अपने साथ मिलाना है, अपनी तरफ करना है, तो वो कर लेते हैं ये सलाहियत है। तो लोगों को जोड़ने का फन जो है उनको आता है। मतलब कभी कोई तसव्वुर कर सकता था कि चौधरी बरादरान के पास शहबाज शरीफ घर चले जाएँगे? चले गए। और परवेज इलाही को एज ए चीफ मिनिस्टर बनाने पर भी वो तैयार हो गए। और ये सारी जमातें जो इकट्ठी हुई हैं, इसमें सब जमातों का अपना अपना किरदार होगा, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब का एक मरकज़ी किरदार है कि उन्होंने ऐसी ऐसी जमातों को जो शायद बिल्कुल भी नहीं आती उनको भी इस इतिहाद का जो हिस्सा बनाया। तो ये एक ऐसी क्वालिटी है जो अल्लाह ताला ने उनको दी है और जिसका वो भरपूर इस्तेमाल भी करते हैं। और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन लास्टली मैं चाहूँगी एक दफ़ा और अगर आप ब्रीफली बता सकें कि इलेक्शन क्या 7-8 महीने बाद ही एक्सपेक्टेड हैं? कम अज़ कम 7 महीने तो गुजर ही जाएंगे, उसके बाद किसी में भी हो सकते हैं। विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इस जश्न की जो तैयारियां हैं वो मेरे ख्याल में काफी होगी, इसमें कुछ खास आप लोग कर रहे हैं? आप भी आइएगा। मैं जरूर आऊंगी लेकिन इसमें कुछ खास कर रहे हैं? हाँ, सेलिब्रेट करेंगे, कराची के लोग आएंगे, कुछ आतिशबाजी होगी, कुछ धूमधड़का होगा। और बाकी जो है वो आपको उसी वक्त पता चलेगा जब सेलिब्रेशन की फुटेज आप देखेंगे। जुम्मे के दिन है 15 अप्रैल और वक्त 9 बजे। विद दैट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। और तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव टाइम है या एक ऐसा टाइम है जिसके लिए अब हर पाकिस्तानी जानना चाहता है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है और हमारी किस्मत का फैसला कौन सा रुख इख्तियार करता है। विद दैट, नुसरत हारिस एंड टीम साइनिंग ऑफ। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।